हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने नोट किया रहेगा कि पिछले 5-6 महीने से प्रॉपर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही आप लोगों को रिप्लाईज दे पा रहा था। चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, ना ही वीडियो अपलोड कर पा रहा था। बिकॉज़ मेरे घर में कुछ फैमिली में मेडिकल इशूज़ थे, जिस वजह से रेगुलर हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। एंड साइड बाय साइड मेरा घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, उधर भी चक्कर लग रहा था। तो ये जो हॉस्पिटल का चक्कर, घर का चक्कर, इस चक्कर में मेरा रूटीन टोटली बिगड़ गया, टोटल लाइफस्टाइल जो सब खराब हो गया है। वो कहता है ना कि लाइफ में एक दौर आता है जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। सेम सिचुएशन मेरे साथ चल रहा था, वही दौर से गुजर रहा था। मेरी सारी लाइफस्टाइल बिगड़ गई और जो रेगुलर में योग एक्सरसाइज कर रहा था वो सारा रूटीन बिगड़ गया, योग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। हॉस्पिटल के चक्कर में खान पान पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, कभी एक टाइम कभी बिना खाकर ही रहना पड़ा। इसके अलावा नींद भी कंप्लीट नहीं ले पाया, कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे की नींद होता है ना कि रात में, कभी इमरजेंसी कभी ये लाओ वो लाओ, हॉस्पिटल में ऐसा रहता है। फिर इधर जो घर का कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, कुछ सामान नहीं है, कभी ये लेके जाओ कभी वो लेके जाओ। तो इस चक्कर में इतना रूटीन बिगड़ गया, कोई रेस्ट ले नहीं पाया। मेरा 15 किलो वेट लॉस हो गया है। इनफैक्ट कुछ वीडियो में भी दिखा होगा कि काफ़ी वेट लॉस हुआ है। स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया। होता है ना कि घर पर अगर मेडिकल इश्यूज़ है तो आप ना चाहते हुए भी आपका स्ट्रेस रहता, टेंशन होती है। सेम मेरे साथ हुआ, जिस वजह से 10-15 वाइट हेयर इधर भी आ गए, साइड में भी आ गए। टच वुड बियर्ड पे नहीं आया। 35 एज कंप्लीट हो चुका है, 36 रनिंग में हूँ, स्टिल मतलब अभी तक यहाँ पर वाइट नहीं आया। ये जो स्ट्रेस कुछ महीने से ले रहा था, जिस वजह से थोड़े बहुत वाइट यहाँ पर आए और साइड में आए। तो ये जो स्थिति है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस इशू है, पैटर्न बढ़ने से यहाँ पर अगर खाली हो रहा है, तो इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन मिले। सेकंड पॉइंट, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आपको प्रॉपर सोना है 6 से 8 घंटा और स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये चारों के चारों मेरे खिलाफ हो गए। ये परिस्थिति की वजह से ना ब्लड सर्कुलेशन करवा पाया योग एक्सरसाइज से, ना न्यूट्रिशन ले पाया, ना रेस्ट ले पाया और स्ट्रेस था, तो काफ़ी हेयर लॉस हो चुका है। जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, आज ही का है, 7 जून 2024। आप ये नोट कर लीजिए और ये कंडीशन देख लीजिए। ये तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हेयर है, ये तो लॉन्ग हेयर के वजह से है, ड्राई है इस वजह से दिख रहा है, अदरवाइज बहुत खाली हो गया। ये जो एरिया है यहाँ पर अब सिर्फ 40% हेयर बचे हैं, बाकी 60% हेयर लॉस हो चुका है, हेयर थिन हो चुका है। आप ये देख लीजिए, देखिए कितना दिख रहा है, खाली दिख रहा है पूरा, राइट, ये पूरा खाली हो गया है। और हेयरलाइन भी देखिए काफ़ी ये पीछे चली गई है, यहाँ पर भी देखिए कितना थिन आउट हो गया है, राइट। तो अभी जितने भी ये थोड़ा लॉन्ग हेयर के वजह से ऐसा दिख रहा है कवर्ड, लेकिन मैं शेव करवाने वाला हूँ। शेव करवाने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना खाली हो गया, कितना चिकना हो गया बहुत से जगह पर। तो अब सवाल आता है कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, वापस से हेयर ग्रोथ जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। हेयर ग्रोथ ये मेरे लिए एक चैलेंज है, आपके लिए भी चैलेंज है। अगर आप भी ऐसा फेस कर रहे हैं तो आप भी मेरे साथ ये हेयर ग्रोथ जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरा 100% हेयर आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ पर चिकना है वहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, और ना ही मैं कोई ट्रांसप्लांट करवाने वाला हूँ। मेरा टारगेट यही रहेगा कि एटलीस्ट 60-70% तक हेयर ग्रो हो जाए। मीन्स अभी 40 है तो 20% मुझे और ग्रो करवाना है, जो हेयर अभी थिन हो रहा है उसको थिक करना है, और ये मैं करके रहूँगा, पूरी कोशिश रहेगी। 100% तो नहीं आएगा, एटलीस्ट गैप ना दिखे वो कंडीशन पर मैं लेके आने वाला हूँ। इसके लिए फिर मैं क्या करने वाला हूँ, तो जैसे बताया पहले शेव करूँगा, शेव करने के बाद वापस से मैं मिनोक्सिडिल स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं पॉलीक्सिडिल 5% फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। 6 साल पहले मैंने ये बंद कर दिया था जब मेरा हेयर रिजल्ट अच्छा मिला था। अगर आप नए व्यूअर है तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, क्या कंडीशन था उससे मैंने कैसे ग्रोथ जर्नी की है। उसके बाद नेचुरली मैंने मेंटेन किया था, लेकिन अब वापस से इस पर आना पड़ रहा है क्योंकि हेयर 80% से कम हो गए। जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, जैसे बाल या नेचुरल प्रोसेस का एक लिमिट होता है कि 80% तक अगर आपका हेयर है तो वो वापस उस स्टेज से काम करता है, लेकिन उससे जब कम हो जाता है तो उसका लिमिट से बाहर हो जाता है, राइट, तब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो अब ये बहुत टाइम आ गया है कि मैं वापस से मुझे मिनोक्सिडिल यूज़ करना पड़ रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के लिए पॉलीचार्ज में टैबलेट वापस से कंटिन्यू करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ लोग इसको प्रमोशन के जरिए देखेंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि ये पहले भी पास्ट में मैं यूज़ कर चुका हूँ, और भी ब्रांड यूज़ कर चुका हूँ, मुझे ये सबसे अच्छा बेटर लगा, मुझे ये सूट हुआ, तो मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप भी ये लें,
आपके डॉक्टर जो रिकमेंड करे, जो भी ब्रांड का रिकमेंड करे वो ले सकते हैं, वो सब काम करेगा। पॉलीचार्ज मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें हेयर से रिलेटेड सारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि बायोटिन 10,000 माइक्रोग्राम है, ओमेगा 3 है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन डी है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, और रिसेंटली मैंने देखा कि इसमें विटामिन B12 भी ऐड किया है। हालांकि हेयर में उतना विटामिन B12 का काम नहीं है, लेकिन इसमें ऐड किया हुआ एक्स्ट्रा, दैट इज़ गुड। तो हेयर से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स इसमें है, तो ये मैं डेली एक टैबलेट लेने वाला हूँ और ये सुबह शाम 2 टाइम्स मैं इसको लगाने वाला हूँ। अगले 6 महीने तक मैं एकदम छोटे बाल, नहीं तो एकदम पूरा ट्रिम करवा के ही रखूँगा, ताकि आपको रेगुलर रिपोर्ट दिखे कि कितना खाली है, कहाँ कहाँ पर रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सेकेंडली, जैसे कि मैंने बताया कि एज फैक्टर भी मायने रखता है, तो हो सकता है कि आपको मुझसे बेटर रिजल्ट मिले अगर आपकी एज कम है मेरे से, क्योंकि एज फैक्टर भी मायने रखता है, राइट। और सडन वेट लॉस, सडन वेट गेन से भी फ़र्क पड़ता है, तो रेगुलर कंसिस्टेंट वेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बालायम करने वाला हूँ, जिससे कि जो वाइट हेयर आए वापस से ब्लैक हो जाए। योग एक्सरसाइज छोड़ूंगा नहीं, वो भी करूँगा, ताकि मैं फिट रहूँ और यंग दिखूँ। इसके अलावा हेयर भी मजबूत रहें, और डाइट में स्प्राउट्स वापस से रेगुलर लेता रहूँगा, स्प्राउट्स से फ्रूट सलाद जो भी, अब वो प्रॉपर लेता रहूँगा। आप लोगों की कृपा से, भगवान की दुआ से, जो मेडिकल कंडीशंस थी घर में वो सॉर्ट आउट हो चुका है, उसका अब दिक्कत नहीं है। अब रहा सवाल सिर्फ मेरे घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो अगले 4 महीने तक चलेगा, लेकिन मैं अब रूटीन मैनेज कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये सब फॉलो करके मैं अपना जो रेगुलर हेयर ग्रोथ जर्नी है, इसके अलावा जो भी चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसका रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा अब और अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको मेरा प्रोग्रेस दिखे और ये भी पता चले कि भाई मैं कोई ट्रांसप्लांट नहीं करवा रहा हूँ, राइट। ट्रांसप्लांट करवाने से अलग दिखता है, तो जो भी कंडीशन है इस कंडीशन से मैं आपको दिखाऊंगा। और आप भी आपका जो हेयर ग्रोथ जर्नी है, चैलेंज एक्सेप्ट करके इसको स्टार्ट कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए। अब मैं रेगुलर कमेंट भी करता रहूँगा, स्टार्ट कर दूंगा एंड वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही प्रेज चाहिए कि मेरा सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही से चले। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जनरल टिप्स के साथ। धन्यवाद।